नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष इतना भारत नाम से घबराया क्यों हुआ है, और कहां नाम बदलने की प्रक्रिया कोई शुरू हो गई है, जब अभी बताया कि भारत भी है और इंडिया भी है, हम अपने अमृत काल में चल रहे हैं, 75वीं वर्ष में चल रहे हैं, अगर हम भारत लिख देते तो विपक्ष इतना बौखलाया क्यों है? भारत में क्या आत्मगौरव महसूस नहीं होता? संविधान में है, तमाम जगह हम भारत लिखते हैं, और अभी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो हम कह देते इंडिया बदल दिया क्या कांग्रेस ने? नहीं कह सकते ना, इंडिया नहीं बदल, नहीं कह सकते। तो तमाम चीजें जो हैं वो कहने की बातें कुछ और हैं, घबराहट किसी और वजह से है, घबराहट है अपनी, और उसको बांटने का तरीका ये है। हम अपने अमृत काल में चल रहे हैं, G20 हमारे यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हम उसमें कहते हैं भारत है, भारत मंडपम बना है जो जहां पर बैठ के होंगी, तो इसमें मुझे लगता है आत्मगौरव होना चाहिए अपने नाम का जो संविधान में दिया हुआ है। अगर वो कहीं लिखा 75 साल इंडिया रहा आपको कोई तकलीफ नहीं रही, और केवल क्षण भर इस समय भारत हो गया तो आपको तकलीफ हो गई? कौन है वो लोग जो भारत नाम से घबराते हैं, भारत बोलने से चिढ़ते हैं, जबकि अपनी यात्रा निकालते हैं भारत जोड़ो, और बाकी लोग अगर भारत कहें तो विरोध करते हैं? मुझे लगता मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी आधिकारिक रूप से क्या चाहती है, कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ भारत या सिर्फ भारत कर दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो इस पर अभी कोई बात कह रही है कि हम संविधान बदल लें, ना हम ये कह रहे हैं कि इंडिया नहीं है, और ना हम ये कह रहे हैं कि ये भारत ही है। संविधान ने लिखा इंडिया दैट इज भारत, आज भी भारतीय जनता पार्टी उस संविधान से बंधी हुई है, उसी को मानती है, उसी को आगे चलाएगी। सर, हम लोग लिखते हैं आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लिखा जाता है प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप जिस भारत की अवधारणा पर काम कर रहे हैं या चाहते हैं, वो रिपब्लिक होगा या नहीं होगा या सिर्फ भारत होगा? देखिए, ये अभी बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। ये विपक्ष की बौखलाहट है, और जो आत्मगौरव आत्मसम्मान भारतीय संस्कृति संस्कार गौरव गाथा हमारा इतिहास उस सबसे ये घबराते हैं, ये एक गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है। 75 साल इंडिया बोला तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अमृत काल में कहीं भारत बोल दिया तो इतनी दिक्कत आ गई। क्यों दिक्कत है? हम सनातन को गाली देंगे, हम हिंदू को गाली देंगे, हम अपने देश का नाम लेने में आपको अपराध बोध महसूस होगा, क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? आप जाइए ना, जनता का तो इलेक्शन है, जनता जनार्दन है, आप जनता की अदालत में जा ही रहे हैं 24 में, जाकर कहिए कि हम भारत नहीं कहेंगे, हम इंडिया ही कहेंगे, हमें भारत नाम से चिढ़ है, और जो भारत कहे वो एक तरफ चला जाए। सर, ये भी तो कह रहे हैं ना अपोजिशन, अभी आपने अरविंद केजरीवाल की बात सुनी कि उन्होंने इंडिया अलायंस रख दिया तो आप देश का नाम बदले ले रहे हो, तो ठीक है आप भारत नाम रख दो, नहीं हम नाम बदल कर भारत अलायंस रख लेंगे फिर। नहीं, वो यही बात आ गई ना, देखिए वही अवसरवादिता की बात है जो आपने I.N.D. वो किया है ना, वो इसीलिए किया है कि आप उस इंडिया की आड़ में अपना गठबंधन, अगर इंडिया को अगर आज हमने भारत कह दिया तो आप गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे, यानी ये जो इंडिया है इसका तो कोई अर्थ नहीं है। इस राउंड का अंतिम सवाल आपसे ये है कि अगर विपक्ष अपने अलायंस का नाम इंडिया अलायंस से भारत अलायंस रख ले, भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज? कोई एतराज नहीं, हमें तो लगता है कि 100 बार उनको सोचकर ये भारत कर लेना चाहिए, इससे अच्छा अवसर। सुनील साजन समाजवादी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सुनील साजन मौजूद है मेरे साथ को अपना ले। जी सुनील।